इसलिए दोस्तों अगर आप भी किसी माइक्रो या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और एमएसएमई बिजनेस के अंडर में आते हैं, साथ ही आप गवर्नमेंट के साथ जुड़कर उनका टेंडर खरीदकर पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन टेंडर लेने से पहले दी जाने वाली अप्लाई फीस या फिर अर्नेस्ट डिपॉजिट मेथड की वजह से आप टेंडर को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है जो आप टेंडर के लिए पैसे लगा सके और अर्नेस्ट डिपॉजिट दे सके, लेकिन आपको फिर भी आपके बिजनेस को बढ़ाने की बहुत ज्यादा चिंता लगी हुई है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको ना ही टेंडर फीस देनी पड़ेगी और ना ही आपको अर्नेस्ट डिपॉजिट का मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट का टेंडर लेकर पूरे इंडिया में ग्रो कर पाओगे। सो क्या है वो स्कीम और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ उस स्कीम का फायदा आप कैसे उठा सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और जिस स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। अब ये NSIC क्या है, कैसे काम करता है और आप इस स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हे दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों NSIC एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ाने और संभालने का काम करती है और साथ ही उन्हें एम्पावर करती है। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप बिना किसी टेंडर फीस और डिपॉजिट के गवर्नमेंट का टेंडर ले सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने स्मॉल एंटरप्राइजेस और नए स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च की और उनमें से एक NSIC भी है जो 1955 में लॉन्च तो हो चुकी थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस स्कीम में कई सारी चीजें ऐड की गई जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस को काफी फायदा हो सके और उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सके। सो गवर्नमेंट ने NSIC स्कीम में क्या क्या चीजें ऐड की और उससे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्या क्या फायदा होने वाला है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप NSIC में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका जो बिजनेस है वो MSME के लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद से आपको MSME मार्ट की तरफ से एक B2B पोर्टल दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन कैटलॉग बनाकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर पाओगे और साथ ही साथ पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड वाइड में अपनी चीजों को और सर्विसेज को बेच पाओगे। साथ ही आपको रॉ मटेरियल यहाँ से काफी सस्ते दामों पर मिल जाएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारा ऑर्डर आ गया है लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है जो उस ऑर्डर को आप पूरा कर पाओ, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिलता है जिससे आप उस ऑर्डर को पूरा कर पाओ और अपने सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा पाओ। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसे भी गवर्नमेंट को बेच सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट आपके मैन्युफैक्चरिंग से निकले हुए कचरे को क्यों खरीदेगी, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जरूरी नहीं है कि आपके जैसा रॉ मटेरियल हर एक कंपनी हर एक बिजनेस यूज करता हो सकता है कि जो चीज आपके लिए वेस्ट है लेकिन किसी और मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी और बिजनेस के लिए वो चीज रॉ मटेरियल का काम कर जाए और इसलिए गवर्नमेंट आपका वो वेस्ट भी खरीद लेती है जिससे आपको डबल फायदा होता है, पहला अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचकर और दूसरा अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से निकलने वाले वेस्ट को बेचकर भी। इसके अलावा NSIC के थ्रू आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी टेंडर्स होंगे उनकी लिस्ट में आपकी कंपनी का नाम ऐड कर दिया जाएगा जिससे आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के टेंडर्स का नोटिफिकेशन आएगा और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस के बाद ही और साथ ही आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप NSIC के माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 25 लाख रुपए होना चाहिए जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट सेटअप इंक्लूड होगा। वहीं अगर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 5 करोड़ होना चाहिए जिसमें आपका मशीनरी और प्लांट सेटअप इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर आप सर्विस रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कम से कम 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए
तभी आप NSIC का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो एंड स्मॉल दोनों ही एंटरप्राइजेस के लिए कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जैसे दोनों ही एंटरप्राइजेस के लिए उद्यम सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है तो उस स्टार्टअप को कम से कम शुरू हुए 1 साल होना चाहिए। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर भी लिया तो भी आप रजिस्ट्रेशन कहाँ कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। सो चलिए जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में बिल्कुल डिटेल में, वो भी NSIC की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSIC का होम पेज खुल जाएगा, जहाँ पर NSIC से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या चीजें नई लेकर आ रहा है NSIC, MSME डेटा बैंक कितने हैं, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन कितने हैं, डोमेस्टिक टेंडर्स कितने हैं, ट्रेड लीड्स कितने हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसकी स्कीम भी दिख जाएगी कि NSIC लोगों को क्या क्या स्कीम्स प्रोवाइड करता है, जैसे रॉ मटेरियल असिस्टेंस, B2B पोर्टल, इंक्यूबेशन सेंटर, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको NSIC के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी कि इसे किसने शुरू किया था, कौन चला रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद जब आप अबाउट NSIC में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्रोफाइल, CMD मैसेज, हु इज हु, आर ऑफिस, हेड ऑफिस, शो इंटरेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा जब आप स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन, रॉ मटेरियल असिस्टेंट, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, इन्फॉर्मेटरी सर्विस, नेशनल SC & ST हब, पार्टिसिपेट एग्जीबिशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको सिंपली यहाँ पर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको NSIC के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि NSIC क्या है, क्या काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है सिर्फ 2 साल के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा NSIC के रजिस्ट्रेशन का, वो सिर्फ 2 साल का होगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल क्या है, उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो इंस्पेक्शन के बारे में है, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो टर्नओवर पर डिपेंड करती है, यानी कि जितना टर्नओवर होगा उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उनके लिए 20% की रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर SC ST के लिए भी कुछ ऑफर्स दिखाई देंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ₹100 उनका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा प्लस GST लगेगा। तो इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स जान सकते हैं। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सिंपली फ्रेश ऑनलाइन पर जाकर क्लिक करना होगा, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, जो कि NSIC में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों कराना चाहिए, उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद से आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपके सामने 7 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के। फर्स्ट स्टेप में आपके सामने क्वेश्चन आता है, डू यू हैव MSME डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपके पास MSME डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन है। अगर नहीं, नो पे क्लिक कीजिए, और अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा कि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा और दूसरी तरफ पैन कार्ड डालने का ऑप्शन आएगा। अब अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप NSIC स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। सो यहाँ पर आपको राइट साइड में गेट उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आएगा, जिस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज खुल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब जाके आप NSIC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफलाइन फॉर्म का भी लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड करके उसे फिल कर सकते हैं और अपने आसपास के NSIC ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप NSIC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बिना टेंडर फीस और बिना डिपॉजिट के आप अपने बिजनेस को पूरी इंडिया में गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू ग्रो कर सकते हैं।
सो ये थी NSIC स्कीम से जुड़ी पूरी वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।